गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस से बचाव को लेकर पशुपालन विभाग सहित जिले के अधिकारी लाख दावे करें, परंतु इसके बाद भी सिवनी मालवा नगर में सड़कों पर विचरण कर रहा गोवंश खुद को असहाय महसूस कर रहा है। विशेष टीकाकरण अभियान सिर्फ वहाँ चल रहा है जो गोवंश लोगों के घरों में है। वही असहाय गोवंश के लिए समाज सेवियों के द्वारा अभियान चला। असहाय गोवंश को लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। सिवनी मालवा नगर में समाज सेवियों की मदद से सड़क पर घूम रहे आवारा गोवंश का टीकाकरण किया जा रहा है। गो सेवक नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि हमारे द्वारा सड़कों पर घूमने वाले गोवंश का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक हमारे द्वारा सैकड़ों गोवंश को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आगे भी अभियान जारी रहेगा क्योंकि पशुपालन विभाग के भरोसे यदि रहे तो लंपी वायरस पूरे नगर के पशुओं में फैल जाएगा। साथ ही हमारे द्वारा उन गोवंश के सिंह पर लाल कलर का पेंट भी पोता जा रहा है, जिससे कि सड़क पर पशुओं को दुर्घटना से भी बचाया जा सकेगा। पशुपालन विभाग सहित नर्मदापुरम कलेक्टर के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु इसके बाद भी क्यों समाज सेवियों को आगे आकर पशुओं का वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है, ये समझ से परे है। हालांकि अलग अलग समाज सेवियों के द्वारा स्वेच्छा से गो सेवकों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि सड़क पर घूमने वाले गोवंश लंपी वायरस से सुरक्षित रह सके। किस तरीके से गौ सेवा आप लोग कर रहे हैं? गौ सेवा का क्या, जो देश में अपने पूरे भारत में लंपी वायरस फैला हुआ है, अब ये मध्य प्रदेश में भी आ चुका है। आपने देखा कई सारी हजारों की संख्या में गाय संक्रमित हैं, और बिलाड़िया और चतरखेड़ा से ये जो फैला फिर नाके पे आया, और आज हमारे वार्ड में एक लंपी डिजीज से गाय की मौत भी हो गई है। बहुत बुरी तरीके स्थिति है। गाय में पहले फफोले उठ रहे हैं पूरे शरीर में, फिर वो फट रहे हैं, ऐसी स्थिति है। पर यहाँ के जो है सरकारी अस्पताल है, इसके पास लावारिस गैयाओं को लगाने के लिए कोई वैक्सीन की सुविधा ही नहीं है, और यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। सरकारी डॉक्टर साहब प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं, इनसे बड़ी मुश्किल से विनती कर रहे हैं कि ये हमने गौ माताएं पकड़ ली है, हमने शमशान में कोड़ ली है, यहाँ कोड़ ली, पर डॉक्टर आने का नाम नहीं लेते, एक दो घंटे सेवा दे पा रहे हैं। और यहाँ बहुत बुरी स्थिति है सरकार पे, और मेरा तो ऐसा जानना है कि 2-4-5 दिन में पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी लंपी डिजीज, और इसके लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। अभी हमको जो दानदाता मिले, कल चिंजू सेठ ने 2 वैक्सीन दिलाई, आज यशवंत भैया ने 2 वैक्सीन दिलाई, कई दानदाता कह रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन दिला रहे हैं, आप तो गौ माता जितनी भी लावारिस है सबका वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि क्या हो रहा है इनमें अगर लावारिस फैली तो इनका ट्रीटमेंट कराने वाला कोई नहीं है, इनका इलाज कराने वाला नहीं है, और ये पूरे शहर में घूमती है, इससे बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है। इसलिए हमारा सड़क पे बैठी जो आप देख रहे हैं पीछे सड़क पे बैठी है गौ माता, ऐसी गौ माताओं को इकट्ठा करके वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इनका जन सहयोग और समाज सेवियों की मदद से। सरकार का कोई सहयोग हमें मिल नहीं रहा है, सरकार भी इस विषय पे चिंतित नहीं है सिवनी मालवा में।